एक पौधा तौहीद का लगा दो, देखते ही देखते देखो उस इलाके में तौहीद का बेहतरीन परचम लहरना शुरू हो जाता है। तौहीद का ये फलदार दरख्त हर एक को फल देता है, हर एक को फायदा पहुंचाता है। मोमिन वो होता है, मुवाहिद वो होता है, तौहीद परस्त वो होता है। तौहीद का मतलब हर एक को फायदा पहुंचाना, हर मसले का हल इसी में है। तो मुवाहिद को चाहिए, तौहीद परस्त को चाहिए, मोमिन को चाहिए, हर एक के लिए फायदा मंद बने, हर एक के लिए सूद मंद बने, किसी को किसी के लिए जहमत ना बने, बल्कि हर एक के लिए रहमत बना करे। क्योंकि तौहीद, तौहीद में हर मसले का हल है, हर मसले का हल है तौहीद। याद रखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में 13 साल में से तकरीबन 11.5 या 12 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद और अखलाक की तालीम देते रहे। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु व नऊदु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون। हाजिर निगरामी, पर्दा नशीन ख़वातीन मिल्लत, अल्लाह ताला का बेपाया शुक्र एहसान है उस रब करीम ने हम तमाम को इंसान बनाया और इंसानों में दीन इस्लाम के मानने वाले मुसलमान बनाया और उनमें भी अल्लाह ताला ने हमें तौहीद परस्त बनाया। बादहु दुरूद सलाम नाजिल हो तमाम अम्बिया व मुरसलीन पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। अल्लाहुम्मा बारिक व सल्लि व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद। हाज़रीन, अल्लाह ताला ने इस कायनात को पैदा किया। कायनात अर्ज़ो समा की पैदाइश का मकसद है तौहीद को कायम किया जाए। इंसान और जिन्नात को अल्लाह ताला ने इसीलिए पैदा किया, कायनात अर्ज़ो समा को अल्लाह ताला ने इसीलिए वजूद बख्शा है।
अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 में, वमा खलक्तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसान को इसीलिए पैदा किया ताकि वो खालिस तौहीद के साथ मेरी इबादत करें। मुफस्सिरे कुरान तर्जमानुल कुरान इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने कुरान में जहां पर भी तौहीद इबादत का लफ्ज जिक्र किया है, चाहे वह वअबुदू है, वअबुद हो, याबुदू हो, याबुदूना हो, ये सारी बातों का खुलासा यही है, इन सारी बातों का मगज यह है कि इबादत तौहीद के साथ हो, यानी इबादत तौहीद के बगैर बेकार है, बेसूद है, कोई फायदा नहीं है। और इसी तौहीद के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया और मुरसलीन को मबऊस किया, अंबिया और मुरसलीन को अल्लाह ताला ने इसी तौहीद के लिए भेजा है, तौहीद के प्रचार के लिए, तौहीद को कायम करने के लिए, तौहीद की दावत देने के लिए। आप अगर देखेंगे हर नबी ने पहली दावत तौहीद से ही आगाज किया है। अल्लाह ताला ने सूरतुन नहल आयत नंबर 36 में फरमाया, वमा अरसलना हमने वलकद बअसना फी कुल उम्मति रसूल अन इबुदुल्लाह वस्तनिबुत तागूत, वलकद बअसना फी कुल उम्मति रसूल, हमने हर उम्मत में एक रसूल को भेजा है, हर उम्मत में रसूल को भेजा है। रसूल आकर सबसे पहले तालीम क्या दिए, अन इबुदुल्लाह अल्लाह की इबादत करना, वज्तनिबुत तागूत और शिर्क से बच जाना, तागूत अल्लाह के सिवा जिसकी इबादत हो, अल्लाह के सिवा जिसको ताबेदारी का हक दिया जाए, अल्लाह के सिवा जिसको इत्तिबा का हक दिया जाए, अल्लाह के सिवा जिसको फैसला करने का हक दिया जाए, अल्लाह के सिवा जिसके सामने अल्लाह के हुकूक अदा किए जाएं, वो सारी बातें तागूत में दाखिल हैं, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई जानवर हो, कोई जिंदा हो, मुर्दा हो, हजर हो, शजर हो, कबर हो, औलिया हो, अंबिया हो, जिन्नात हो, अत्किया हो, सिद्दीकीन हो, सालिहीन हो, कोई भी हो, अगर अल्लाह का हक किसी को दिया जाए वो तागूत है, उससे परहेज गुरेज करना है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह तागूत की बेहतरीन तारीफ बयान करते हैं, वो कहते हैं कि तागूत अरबी जबान का एक लफ्ज है जिसके माने हैं हद से तजावुज कर जाना, लिमिट क्रॉस कर जाना, उसको कहते हैं तागूत। इस्लाम ने हर एक को उसका एक मुकाम दिया और हर मखलूक की एक लिमिट है, खालिक की कोई लिमिट नहीं है, जो भी मखलूकात है उसकी लिमिट है, उसकी हद है, उससे आगे वो जा नहीं सकती है, मखलूकात की हद बंदी है, खालिक के लिए कोई हद बंदी नहीं है। तो अब अल्लाह ताला ने नबियों को एक मुकाम दिया, सालिहीन को एक मुकाम दिया, सिद्दीकीन को एक मुकाम दिया और औलिया को एक मुकाम दिया, अल्लाह ताला ने इंसानों को मुकाम दिया, जानवरों को मुकाम दिया और इसी तरह से दीगर गैर जानदारों को भी अल्लाह ताला ने एक मुकाम दिया। हर एक को उसके अपने अपने मुकाम पे रखना ये इंसाफ है और उसके मुकाम से गिरा देना, मुकाम से उठा देना ये गलत है, ये इंसाफ से हटके हैं। नबी को अल्लाह ने एक मुकाम दिया है, अगर आपने नबी को नबी के मुकाम से गिरा दिया तो भी गलत है, और अगर नबी के मुकाम से उठाकर अल्लाह के मुकाम पे बिठा दिया तो भी गलत है, तब जाके तागूत है। हम कहते हैं समंदर में तो ग्यानी आ गई, कब कहते हैं, जब समंदर का पानी आपे से बाहर हो जाए, लिमिट पार कर जाए, क्रॉस कर जाए, कहते हैं कि समंदर में तुगयानी आ गई, उसी से तागूत है। यानी नबी का मुकाम, नबी को नबुवत के मुकाम पे, रिसालत के मुकाम पे रखो, अगर आपने उलूहियत के मुकाम पे बिठा दिया तो तागूत का काम किया, लिमिट पार कर दिया, क्रॉस कर दिया। औलिया का, बुजुर्गों का, बड़ों का मुकाम है, वहां रखा करो, वहां से अगर आपने उनके मुकाम को उठा दिया तागूत है।
अंबिया का मुकाम है, इसी तरह से आइम्मा का मुकाम है। आपने आइम्मा को अगर अंबिया का मुकाम दे दिया, अंबिया को अल्लाह का मुकाम दे दिया, तो ये लिमिट आपने पार कर दिया है, यही तागूत है। तागूत से पहले बचना है, इसीलिए इस्लाम का पहला कलिमा हमें यह सिखाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाह, तमाम तागूत का इनकार करो, इबादत के हकदार मुस्ताहिक कोई नहीं है, सबका इनकार करो। वज्तनिबु तागूत, तागूत से बचो, परहेज करो, और जो तागूत का इनकार करे फिर ईमान लाए, तभी उसका ईमान काबिले कदर है, तौहीद के साथ इबादत काबिले कदर है, वरना अल्लाह के पास काबिले कदर भी नहीं, काबिले कबूल भी नहीं है। समय यकफुर बिताबूत वही उमिम बिल्ला फकद इस्तमसक बिलउरवतिल वुस्का। अल्लाह ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, जो तागूत का इनकार कर दे, समय यकफुर बिताबूत, तागूत का इनकार कर दे, फिर वही उमिम बिल्ला, फिर अल्लाह पर ईमान लाए, तब जाकर उसका ईमान काबिले कबूल होगा, उसकी इबादत अल्लाह के पास काबिले कबूल होगी। और अगर तागूत के साथ है, शिर्क के साथ है, कोई फायदा नहीं है। मैं अर्ज कर रहा था कि देखिए, अल्लाह ने कायनात को वजूद बख्शा तौहीद के लिए, अंबिया को मबऊस किया तौहीद के लिए। वलकद बअसना फी कुल्ली उम्मतिर रसूला अन इबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, अल्लाह की इबादत करो, तागूत से बच जाओ। एक इंसान पर पहला वाजिब तौहीद है, आखिरी वाजिब तौहीद है। यही तौहीद इंसान पर सबसे पहले वाजिब होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चा जब बोलना सीखे उसको अल्लाह सिखाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ, अल्लाह सिखाओ। वो अल्लाह जिसने तुमको बोलने की सलाहियत दी, अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, बयान की सलाहियत और ताकत अल्लाह ने अता फरमाई है। जब आपको बोलना आया तो अल्लाह का कलीमा पढ़ो, अल्लाह के कलीमे का इकरार किया करो। लेकिन इंसान, हाय अफसोस इंसान, जब तुझे मांगना नहीं आता था, जब तू मां के पेट में था, तेरी फरियाद कौन सुनता था? जब तुझे बोलना नहीं आता था, तेरी जरूरतों को कौन पूरी करता था? तेरी फरियाद रसी कौन किया करता था? अल्लाह करता था। जब तुझे मांगना आया, गैरुल्लाह से मांगना शुरू किया, इससे बढ़ के जुल्म क्या हो सकता है? इसीलिए शिर्क को सबसे बड़ा जुल्म करार दिया गया, इन शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क कायनात में सबसे बड़ा जुल्म है, तौहीद सबसे बड़ा इंसाफ है। इसीलिए हर एक को उसका मुकाम देना, यही याद रखिए, इंसाफ है। अल्लाह को अल्लाह का मुकाम दिया करो। आखिरी वाजिब यही है, नबी ने फरमाया, मन काना आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्ना, जिसका आखिरी कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, जन्नत में जाएगा। इसी तरह से आखिरत की पहली मंजिल कब्र, वहां पर भी सबसे पहला सवाल तौहीद के बारे में होगा, मन रब, तुम्हारा रब कौन है? नमाज के बारे में, रोजे के बारे में, सदका तो खैरात के बारे में, जकात के बारे में, हज के बारे में सवाल नहीं होगा। ये तो उस वक्त सवाल होगा जब पहले तुम फर्स्ट पेपर को क्लियर कर लो, इसमें क्वालिफाइड हो जाओ, तो सेकेंड पेपर आपका काउंटेबल होगा, वरना नहीं। याद रखिए मेरे भाइयों, दुनिया और आखिरत हर चीज में आपको और हमारी कामयाबी का इन्हसार तौहीद पर है। इसी तौहीद के लिए अल्लाह ने कायनात को वजूद बख्शा। जब तक तौहीद है, कायनात बाकी है, तौहीद खत्म, कायनात खत्म। आपने बारहा यह हदीस सुनी होगी, बारहा सुनी होगी, सही मुस्लिम की रिवायत है। अनस रदी अल्लाह ताला अनु फरमाते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारहा ये कहा करते थे, ला तकुमुस्साअ ला तकुमुस्साअ, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी, हत्ता युकाला फिल अर्द ला इलाहा इल्लल्लाह, जब तक रुए जमीन पे कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह का तौहीद का इकरार करने वाला होगा। दूसरी रिवायत में हत
हत्ता युकाला फिल अर्द अल्लाह अल्लाह, रूए जमीन पे कोई अल्लाह कहने वाला होगा, एक बंदा तौहीद परस्त होगा, अल्लाह ताला कायनात को बाकी रखेगा, कयामत नहीं आएगी रूए जमीन से जिस दिन एक तौहीद परस्त ना हो। तौहीद खत्म, तौहीद परस्त खत्म, कायनात भी खत्म। और याद रखिए मेरे भाइयों, तौहीद का मरकज है काबा, तौहीद का मंबा है काबा, तौहीद का मरकज है काबा। जब तक काबा है ये दुनिया की जमानत है, काबा खत्म दुनिया की जमानत भी खत्म। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, आखिरी जमाने में कयामत से पहले काबे को ढा दिया जाएगा, काबे को ढा दिया जाए, याद रखो तो दुनिया को भी ढा देने के बराबर है। और हर मस्जिद का ताल्लुक काबे से होता है, हर मस्जिद का ताल्लुक काबे से होता है, और हर मस्जिद ये तौहीद का मरकज, मंबा, मखजन, गहवारा, ठिकाना है। याद रखिए मेरे भाइयों, और इसी तौहीद के अल्लाह ताला ने ये मिसाल दी है, इसी तौहीद के अल्लाह ताला ने मिसाल दीते देते हुए फरमाया, जो आयत मैंने आपके सामने सूरह इब्राहिम की पढ़ी है खुतबाए मसनूआ के बाद दो आयतें 24 और 25 पढ़ी है, अल्लाह ने फरमाया, अलम तर كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة, क्या लोग देखते नहीं है, क्या तुमने गौर व फिक्र नहीं किया, अल्लाह ताला किस तरह से कलीमा तय्यबा की मिसाल देता है। कलीमा तय्यबा की मिसाल यह है, कलीमतन तय्यबा का शजरतिन तय्यबा, पाकीजा दरख्त की तरह उसकी मिसाल है। और नबी ने सही बुखारी की हदीस में फरमाया, ये पाकीजा दरख्त कौन सा दरख्त है, नबी ने सवाल किया साहबा के बीच में, सही बुखारी की हदीस है, बताओ ऐसा दरख्त जिसकी मिसाल मोमिन की है, जिसकी मिसाल मोमिन से दी, और जिसकी कोई चीज बेकार नहीं होती है, हर वक्त इंसान को फायदा पहुंचाता है, कौन सा दरख्त बताओ, कोई बता नहीं पाए। महफिल में इब्ने उमर थे, अब्दुल्ला बिन उमर, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के बेटे अब्दुल्ला थे, उनके दिल में बात आई कि वो खजूर का दरख्त है, लेकिन बोले नहीं। बाद में अल्लाह के रसूल ने जब बताया, अब्दुल्ला अपने बाप से जाकर बाद में घर में जाकर कहा कि अब्बू जान मेरे दिल में ये बात आई थी कि वो दरख्त खजूर का है, तो कहा कि तुमने बताया क्यों नहीं, बताए होते तो मुझे कितनी खुशी होती कि मेरा बेटा इतने साहबा कराम के दरमियान अल्लाह के रसूल के सवाल का जवाब दिया है। कितनी खुशी होती है बाप को, हां बेटे की तरक्की से बाप को खुशी होती है। ये दुनिया के वाहिद इंसान हैं जो ये कहता है मेरा बेटा मुझसे आगे बढ़े, हर एक चाहता इन्हें आगे नहीं बढ़ना, टांग पकड़ के खींचने की कोशिश होती है, एक बाप है जो कहता है मेरा बेटा भी मुझसे आगे बढ़े, एक बाप ही कहता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे बढ़े। बहरहाल उमर ने कहा तुमने कहा क्यों नहीं बेटा, अदब देखो, अदब देखो। इब्ने उमर ने कहा, अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि अब्बू जान महफिल में अबू बकर आप हैं, उस्मान और अली हैं, बड़े बड़े साहब इकराम हैं, उनकी मौजूदगी में मैं छोटा आदमी कैसे बोलूं, अदब का ख्याल देखो, बड़ों के बीच में छोटों को अगर जवाब आता भी है सही भी है तब भी नहीं टोकना, बोलना नहीं चाहिए, याद रखो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की मिसाल देते हुए फरमाया कि ये खजूर के दरख्त हैं, अल्लाह ने भी कहा कि देखो ये खजूर की दरख्त है, उसकी जड़ें मजबूत हैं और उसकी शाखें फैली हुई है, कहा कि देखो असलुहा साबित व फरहुहा फिस्समा, उसकी जड़ें मजबूत हैं और उसके शाखें दूर दूर तक आसमान पे फैली हुई है, तूती उकलाहा कुल्लहीन, हर वक्त इंसान को फायदा पहुंचाता है, इदनी रब्बी हा, अपने रब की मर्जी से अल्लाह मिसाल बयान करता है इन इंसानों के लिए ताकि इंसान नसीहत हासिल करें। अल्लाह अकबर, क्या बेहतरीन आयत है मेरे भाइयों, तौहीद की मिसाल दी गई, तौहीद की मिसाल उस दरख्त से दी गई जो हर वक्त फल दे, हर वक्त फायदा पहुंचाए और उसकी जड़ें मजबूत हो, शाखे आसमानों को छूते हुए आसमानों को बात करें, हर जगह पर उसकी शाखे फैली हुई हो। हाजरीन, ये तौहीद की वाकई माने में मिसाल है, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना, नामो निशा हमारा। याद रखिए मेरे भाइयों, तौहीद यही है
कि खुदा हशर में कह दे बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। तौहीद का एक पौधा जहां लगाया जाए, एक पौधा तौहीद का लगा दो, देखते ही देखते देखो उस इलाके में तौहीद का बेहतरीन परचम लहरना शुरू हो जाता है। तौहीद का ये फलदार दरख्त हर एक को फल देता है, हर एक को फायदा पहुंचाता है। मोमिन वो होता है, मुवाहिद वो होता है, तौहीद परस वो होता है। तौहीद का मतलब हर एक को फायदा पहुंचाना, हर मसले का हल इसी में है। तो मुवाहिद को चाहिए, तौहीद परस को चाहिए, मोमिन को चाहिए हर एक के लिए फायदा मंद बने, हर एक के लिए सूद मंद बने, किसी को किसी के लिए जहमत ना बने बल्कि हर एक के लिए रहमत बना करे। क्योंकि तौहीद, तौहीद में हर मसले का हल है, हर मसले का हल है तौहीद। याद रखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में 13 साल में से तकरीबन 11.5 या 12 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद और अखलाक की तालीम देते रहे। नमाज का हुक्म 11.5 साल बाद, नबी की हिजरत से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 11.5 तकरीबन 12 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदा तौहीद और अखलाक की तालीम देते रहे, सदका तो खैरात की तालीम देते रहे, और नमाज के बाद जकात मदीने में और हज की फर्जियत मदीने में, हिजरत के बाद 13-14 साल बाद का ये वाकया है, रमजान के रोजे हिजरत के 2 साल बाद यानी 15 साल बाद नबी की नबूवत के बाद का ये सब वाकयात है। आप देखिए दीगर जो अमाल हैं, निकाह शादी बियाह तलाक खुला जिहाद सियर जितने अहकाम हैं ये सब मदीने में हैं। मक्के में अकीदा और अखलाक की तालीम मजबूत किया जा रहा था कि तुम्हारे नमाज, तुम्हारे ज़कात, तुम्हारे सौम सलात, हज, ज़कात, सदकात, खैरात, दुआ, दरूद, दावत, तबलीग, जिहाद, सियार, तुम्हारे ये सारी बातें अल्लाह के पास काबिले कबूल होने के लिए तौहीद मजबूत होना बहुत जरूरी है। तौहीद इसी का नाम है, याद रखिए। और यही बात है कि तौहीद जहां पर हो हर मसले का हल है। परेशानी है, तकलीफ है, आप अंबिया को देख ले, वक्त ना काफी है सारी बातें आपके सामने अर्ज करने के लिए। आदम अलैहि सलाम को जब परेशानी आई उन्होंने क्या किया, तौहीद का सहारा लिया, क्या कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना वइन लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब 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 का सहारा लिया। यहां पर भी लोग बख्शते नहीं है, कहते हैं आदम अलैहि सलाम तौबा कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, आदम की तौबा और दुआ कबूल नहीं हो रही थी, अर्श पे लिखा देखे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हवाले से वसीले से दुआ किए तब जाकर दुआ कबूल हुई है। ये बेबुनियाद बकवास की बातें हैं, याद रखिए मेरे भाइयों, ऐसी बात बिल्कुल सही नहीं है। अब आगे बढ़ें, इब्राहिम अलैहि सलाम को जब आग में डाला जा रहा था, इब्राहिम अलैहि सलाम की जबान पे तौहीद का नारा था, इमाम अहले तौहीद है ये इब्राहिम अलैहि सलाम, जिनके बारे में कहा कि हनीफा मुस्लिमा तौहीद परस एक्सु अल्लाह की तरफ रुजू होने वाले मुसलमान थे। इब्राहिम अलैहि सलाम की जबान पे ये था हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह मेरे लिए काफी है। आज भी हो जो बराहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा, ये दौर अपने बराहिम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा अलैहि सलाम के सामने समंदर हाइल है, पीछे फिरौन जालिम की लश्कर है। याद करो उस माहौल को, उस समा को, उस वक्त मूसा अलैहि सलाम की जबान पे ही बात थी हस्बी अल्लाह, अल्लाह मेरे लिए काफी है, अल्लाह मेरे लिए काफी है। लूत अलैहि सलाम हिजरत करके जा रहे थे और इसी तरह से उनकी जबान पे भी कलीमा था। इब्राहिम अलैहि सलाम के साथ वो भी ये कह रहे थे इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, रब तौहीद तौहीद। याद रखिए मेरे भाइयों, अय्यूब अलैहि सलाम को बीमारी आई, उन्होंने अल्लाह के अल्लाह के पास वही कहा अन्नी मस्सनी अद्दुर अंत अरहमुर राहिमीन, अल्लाह तो रहम करने वाला है। और यूनुस अलैहि सलाम मछली के पेट में समंदर में अंधेरों में थे, वहां पर उन्होंने तौहीद का कलीमे का जप किया है ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंत मिनज़ ज़ालिमीन। परेशानी में तकलीफ में जब आपको सुझाई ना दे, याद रखो यूनुस अलैहि सलाम का ये कलीमा पढ़ते रहे ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक
इन्ने कुंतु मिनत जालिमीन। अल्लाह अकबर, आप देखते जाओ देखते जाओ। हर मौके पर यही बात थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के सफर में गजवाए बदर के मौके पर तौहीद का कलिमा आपकी जबान पे था। तौहीद हर मसले का, हर परेशानी का हल है। दुआ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं सिखाई कि मुसीबत में, तकलीफ में, परेशानी में, बीमारी में, सारे के सारे तौहीद के हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अदीम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल अदीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अदीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावात व रब्बुल अर्द रब्बुल अर्शिल करीम। देखो, ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा है। एक हाजी हज करने के लिए जाता है, सबको छोड़ छाड़ के कफन बांध के जाता है और वो क्या कहता है? हज करने वाला, उमरा करने वाला, घर बार को छोड़ा, रिश्तेदारों अकारिब को छोड़ा, बैंक बैलेंस को छोड़ा, कारोबार और तिजारत को छोड़ दिया, नरम गरम बिस्तर को छोड़ा, अपने बंगले को छोड़ दिया, कफन के दो चादर पहन के जाता है और जबान पे कलिमा तौहीद है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हमद व नअमा वलक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्लाह अकबर। तौहीद, 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 तौहीद मेरे भाइयों, हर मसले का हल है तौहीद। इसीलिए याद रखिए, तौहीद का पौधा जहां लगाया जाए तौहीद से इंसान को फायदा होता है। हमारे और आपके आमाल अल्लाह के पास काबिल कबूल होने के लिए तौहीद परस्त होना बहुत जरूरी है। रमजान आ रहा है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमजान सेहत व आफियत के साथ नसीब फरमाएं, रमजान का कमा हक व हक अदा करने की तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह हमारे मुल्कों में अमन व अमान नसीब फरमाएं। तो आपके रमजान की इबादतें कबूल होने के लिए बहुत जरूरी है कि आज से आप तौहीद परस्त बन जाओ, तौहीद वाले बन जाओ। रमजान का इस्तकबाल, रमजान का इस्तकबाल सलफ सालिहीन पहले तौहीद के साथ करते थे, पहले अकीदे की इस्लाह के साथ करते थे, नीयत को खालिस रखकर करते थे और उसके बाद ही आपको अल्लाह के पास काबिल कबूल होने का मौका मिलेगा। क्योंकि आमाल अल्लाह के पास काबिल कबूल होने की बुनियादी शर्त है तौहीद हो, अकीदा दुरुस्त हो और नबी के तरीके पर तौहीद का काम किया जाए, नबी के तरीके पर इसको, इस परचम को आगे बढ़ाया जाए, तब जाकर फायदा होगा। और अगर तौहीद नहीं, इत्तिबाए सुन्नत नहीं, वो अमल अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं है। वो तीन सहाबा किराम जो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आकर सवाल किए, अल्लाह के रसूल की इबादतें कैसी होती है? आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात और दिन की इबादतें कैसी होती हैं। उन लोगों ने कहा, आईना नहनु मिन रसूलिल्लाह, हम अल्लाह के रसूल के मुकाबले में कुछ नहीं है। कअन्नहुम तकालू हैं, गोया कि वो लोग अपनी इबादतों को कम समझ रहे थे। उनमें से एक ने इरादा किया, आज से मैं सारी रात इबादत करूंगा, कभी रात में सोऊंगा नहीं। दूसरे ने कहा कि मैं हमेशा रोजा रखूंगा, दिन में मैं रोजा नहीं छोड़ूंगा। और तीसरे ने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा। नबी को पता चला, नबी ने सारे लोगों को जमा करके कहा, देखो अकीदा और मनहज की बात आए, सारे लोगों के सामने ये बातें कहना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको जमा करके फरमाया, देखो फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, मेरे तरीके से हटके जो इंसान नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदकात, खैरात, दावत, तबलीग, जिंदगी को वक्फ करने का इरादा करे, वो मेरे पास वो मुझमें से नहीं है, अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं, वो मेरा तरीका नहीं है। और जो मेरे तरीके पर काम ना करें वो अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं। मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, जो कोई ऐसा अमल करे जिसमें हमारा हुक्म नहीं है वो काबिल कबूल नहीं है। लोग कहते हैं नमाज ही तो पढ़ रहे हैं, रोजा ही तो रख रहे हैं, फातिहा तो पढ़ रहे हैं, दुरूदी तो पढ़ रहे हैं, कुरान खानी तो कर रहे हैं, गलत क्या है? आप पूछो अल्लाह के रसूल को, ये तीन सहाबा इकराम क्या गलत कर अदा किए थे? नमाज रोजे का तो ही इरादा किए थे, गलत ये है कि नबी के तरीके पर नहीं है। तौहीद के साथ बहुत जरूरी है कि नबी के तरीके पर हम काम करें, वरना हम मुसीबत में मुब्तला हो जाएंगे, अजाब से दो चार हो जाएंगे, फितने में दो चार कर दिए जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह नूर आयत नंबर 64, फलयहदरिल्लजीना युखालिफून अन अमरिन,
अंतुसीबाहुम फितना और युसीबाहुम अदाबुन अलीम। उन लोगों को डरना चाहिए जो नबी की मुखालफत करते हैं, कहीं फितने में मुबतला ना कर दिए जाए या दर्दनाक अजाब से दो चार ना कर दिए जाए। नबी की मुखालफत ना करो। नबी के सामने एक आदमी बाएं हाथ से खा रहा था, नबी ने कहा कि मत खाओ, उसने कहा कि मैं नहीं कर सकता, फौरन उसका दाना हाथ नकारा हो गया, नकारा हो गया। नबी की मुखालफत करने का अंजाम यह है, अल्लाह ताला सजा देता है और अल्लाह ताला मुसीबत में तकलीफ में मुबतला करता है, फितने में दो चार करता है। आज जो माहौल है, चाहे मुल्क की सतह पर हो, आलमी सतह पर हो, इन सब के पीछे याद रखिए दो चीज कार फरमा है। आज मुसलमानों के पास जो तौहीद और अकीदा होना चाहिए वो तौहीद और अकीदा नहीं है, ईमान की कमी है। अंतुमुल आलाउना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही सरबुलंद रहोगे, शर्त यह कि तुम मोमिन हो। हुकूमत चाहिए, खौफ का माहौल दूर करना चाहते हो, दीन को मजबूत करना चाहते हो। सुभान अल्लाह, क्या प्यारी आयत है, सूरह नूर आयत नंबर 55 जाके आप ठंडे दिमाग से इस आयत का मुताला करना। अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह ने कहा वादल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ध कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह का वादा है तुम में से उन लोगों से, अल्लाह का वादा है। क्या वादा है? तीन वादे अल्लाह ने किए हैं। तुम्हें अल्लाह ताला जमीन में खिलाफत अर्ज़ी अता फरमाएगा, अल्लाह तुम पर जो खौफ का माहौल है वला युबदिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, खौफ के बाद अमन का माहौल देगा। और इसी तरह से वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुम अल्लतिज़ा लहुम, और उस दीन को अल्लाह ताला मजबूत कर देगा जिस दीन को अल्लाह ताला ने तुम्हारे उनके लिए चुना है। दीन को मजबूत करना चाहते हो, इकामत दीन के दावेदारों आओ तफसीर सुन लो सही माने में, दीन की गलत ताबीर मत किया करो। इकामत दीन किसके जरिए से हो सकती है? हुकूमत इलाही कैसे मिल सकती है? खिलाफत अर्जी कैसे हासिल हो सकती है? खौफ का माहौल कैसे दूर कर सकते हो? अपने दीन को कैसे मजबूत कर सकते हो? अल्लाह ने फरमाया तुम में से उन लोगों से मेरा वादा रहा। अल्लाह का वादा कभी गलत नहीं हो सकता है, अल्लाह वादा खिलाफी कर नहीं सकता है। याद रखिए अल्लाह का वादा है। क्या वादा है? अल्लाह तुम्हें हुकूमत अर्जी अता फरमाएगा, खिलाफत अर्जी देगा, दीन को मजबूत कर देगा, एक दीन इकामत दीन को भी अल्लाह कायम, दीन की इकामत अल्लाह करेगा, खौफ के बाद अमन का माहौल देगा। करना क्या है? किन लोगों से वादा है? ये तीन वादे किन लोगों से हैं? तुम में से वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए, ईमान लाए नेक अमल किए। वादल्लाहु अल्लज़ीना आमनो मिनकुम व अमिलुस्सालिहात, तुम में से जो ईमान के बाद नेक अमल किए। तौहीद ईमान के साथ नेक अमल करो, और नेक अमाल में याद रखिए अल्लाह के हुकूक के साथ अल्लाह के बंदों के हुकूक अदा करना, यानी अखलाक और किरदार दूसरा सबब ही है। आज हमारे अखलाक और कैरेक्टर खराब है। शेख अल्बानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, उनकी कैसेट उसमें वो बयान करते हैं, कैसेट में वो बयान करते हैं कि मैं शुरू शुरू में ये समझता था, आज जो आलम इस्लाम की जबोहाली परेशानी तकलीफ और सवाल का सबब तौहीद है, बाद में मुरूर आयाम से मुझे पता चला सिर्फ तौहीद नहीं है, तौहीद के साथ अकीदे के साथ अखलाक भी एक बहुत बड़ा सबब है। आज जो हम पीछे हैं, याद रखिए अखलाक और किरदार का अपनाना भी बहुत जरूरी है। आज उम्मत में से जिनके पास अकीदा है अखलाक के कोरे हैं, और जिनके पास अच्छे अखलाक है अकीदे से दूर है। दोनों अगर एक साथ हो जाएं, मक्के में नबी मैंने शुरू में कहा तौहीद के साथ अखलाक की भी तालीम देते रहे हैं, और दलील के तौर पर सही बुखारी की जो दूसरी हदीस है, लंबी हदीस है, शाह रोम हिराकल ने जब अबू सुफियान को बुलाया नबी के बारे में पूछने के लिए, कहते कि किस बात का वो हुक्म देते हैं, तो अबू सुफियान की गवाही उस वक्त ये थी, काना यामुरुना बिसिद्की वस्सलाति वलआफाफी वस्सदका, वो हमें सदकात खैरात इज्जत व इफ्फत की हिफाजत नमाज सौम के हुक्म देते हैं, और वो कहते हैं कि एक अल्लाह की इबादत करो। गलत कहते वो लोग जो कहते हैं कि मक्के में सिर्फ तौहीद की तालीम नहीं, अकीदा के साथ अखलाक की भी तालीम देते रहे, सदका तो खैरात की भी तालीम देते रहे। शुरू की जो आयतें हैं मक्की दौर की आयतों में सदका तो खैरात के बारे में उभारा गया, जबकि परेशान कमजोर हाल थे,
हाजरीन खुलासा कलाम यह है, तौहीद हर मसले का हल है। तौहीद और अकीदा और अखलाक इन दोनों को लेकर चलें तो अल्लाह ताला के ये वादे हम पर पूरे हो सकते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने आप को बदलें और देखें और अल्लाह से मायूस ना हो, मायूस ना हो। अल्लाह तबरक ताला जरूर बा जरूर तौहीद को कायम करेगा। मैं आपके सामने यही अर्ज किया कि तौहीद का पौधा जब लगाया जाता है उस पौधे को देखते ही देखते तनावर दरख्त बनता है, हर एक को फायदा पहुंचाता है। और अल्लाह अकबर, इसी तौहीद के लिए कायनात को अल्लाह ने पैदा किया, अंबिया को भेजा, किताबों को नाजिल किया। पहला वाजिब यही है, आखिरी वाजिब यही है। आखिरत की पहली मंजिल कब्र में सवाल भी तौहीद के ताल्लुक से। जब तक तौहीद है दुनिया कायम है, तौहीद खत्म दुनिया भी खत्म है। और तौहीद का गहवारा मरकज मंबा है काबा, काबा खत्म दुनिया खत्म, काबा आबाद दुनिया आबाद। और हर मस्जिद का ताल्लुक काबे से है, दुनिया में मस्जिद आबाद तो याद रखो दुनिया आबाद, तौहीद आबाद मरकज आबाद। तो याद रखिए मेरे भाइयों, मस्जिदों को आबाद करो, इसी में तौहीद आबाद होगी। और इसी में याद रखिए कि दुनिया कायम रहेगी, यहीं से आप हर चीज का मसले का सलूशन निकाल सकते हो। इसको आप कम्युनिटी सेंटर भी बनाओ और मस्जिद को याद रखिए आप एक पावर हाउस बनाओ, यहां से पावर सप्लाई भी करो, कम्युनिटी का हर काम आपका आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही एक तौहीद का मरकज ये मस्जिद खलीलुल्लाह है। सुभान अल्लाह, आप जानते जो कदीम लोग हैं, एक जमाने में मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह आके 16 साल हो रहा है, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह नजर बस से बचाए, खिदमत को कबूल फरमाए और हासी दिन के हसास से शरीरों के शर से अल्लाह महफूज रखें और अल्लाह तबरक ताला कबूल फरमाए। 16 साल से मैं देख रहा हूं, मैं जब पहले आया था तो यहां पर सिर्फ नीचे जुमा की नमाज और वहां मुश्किल से मर्द अहबाब में से गिनकर 100-200 और खवातीन के लिए वो नीचे जो बेसमेंट है उसमें आधे में टॉयलेट बाथरूम और आधे में खवातीन के लिए मुश्किल से 20-25 खवातीन बैठ सकती है। ये हाल आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं, 2,500 का मजमा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये तौहीद की बरकत है मेरे भाइयों, तौहीद की बरकत है ये। और आप उससे कदीम उससे पहले भी जाएंगे, इस मस्जिद की जो तारीख है हिस्ट्री है, अल्लाह अकबर कैसे कैसे मस्जिद को खत्म करने की कोशिश हुई और यहां पर मार तोड़ की पेश आ गया, दूसरे लोग जो परेशान करने आए क्या क्या हुआ, ये सारी बातें यहां पर मौजूद हैं। लेकिन याद रखो तौहीद का पौधा लगाया जाए इखलास के साथ तो वो ऐसा तनावर दरख्त बनता है कि उसकी जड़ें मजबूत और दूर दूर तक उसकी शाखें फैल जाए, हर एक को वो फायदा पहुंचाते रहे। अल्लाह अकबर, ये एक दरख्त है। अब देख रहे हैं मस्जिद खलीलुल्लाह भी एक तौहीद का दरख्त है मेरे भाइयों, यहां से काफी फायदा हुआ हो रहा है और अल्लाह ताला कयामत तक इसको कायम और दायम रखें और इससे बेहतरीन काम ले कम्युनिटी के। इसके पावर हाउस है और बनाएं, कम्युनिटी सेंटर है और बनाएं, कौम मिल्लत के फायदे यहां से हो। और याद रखिए मस्जिद खलीलुल्लाह से अपनों के साथ साथ गैरों को भी फायदा पहुंचाया जा रहा है, गैरों को भी फायदा पहुंचाया जा रहा है यहां के जरिए से, दावती तालीमी इस्लाही दीनी तरबियाती तालीमी रिफाही हर तरह के काम अल्हम्दुलिल्लाह यहां से हो रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, मजीद तरक्की से नवाजे, आमीन। हाजरीन, तौहीद जहां कायम हो आप जानते हैं कि वो तनावर दरख्त बनता है। तो ऐसे ही इस मस्जिद को आबाद करना तौहीद को आबाद करने के बराबर है। हर मस्जिद का ताल्लुक काबे से है, काबा कायम दुनिया कायम, तौहीद कायम दुनिया कायम, मस्जिद कायम दुनिया कायम, मस्जिद खत्म दुनिया खत्म, काबा खत्म तौहीद खत्म दुनिया खत्म, है ना। तो ऐसे ही इस मस्जिद के कयाम के लिए अल्लाह अकबर एक और मौका आपके सामने है, एक और मौका आपके सामने है और वो है आप इससे पहले मस्जिद की जमीन की खरीदारी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 2-1.5 साल पहले आपके सामने दरख्वास्त की गई थी। खवातीन के लिए जगह नाकाफी है, अभी भी मसला हल नहीं हुआ है। क्यों? जगह जो हम लिए हैं आपको पहले बताया गया था कि मस्जिद से लग के एक जमीन है, उसके बाद की जमीन है, ये उसकी बाद की जमीन है। जो ये मस्जिद से लग के एक जमीन है 30-40 साइड दो आदमी की है, यानी जो 600 स्क्वायर फीट एक आदमी की है और एक आदमी की जो खातून की है और बीच में एक आदमी के 600 स्क्वायर फीट है। तो उसके बाद हमने जमीन ली है,
30-40 लेके रखे हैं, अब देख रहे हैं। अब उससे लग के यानी दोनों मस्जिद से लग के जो जमीन है और मस्जिद की ली हुई जमीन के बीच में जो 600 स्क्वायर फीट है वो मिल रही है। अब वो मिलने के बाद भी हम मस्जिद से अटैच नहीं कर सकते जब तक के ये बाजू की जमीन ना मिले, मस्जिद से लग के जमीन ना मिले। और बहुत उम्मीद है, पूरी कोशिश चल रही है कि ये जगह भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। मिल जाए तो उसके बाद आपकी अमानत है मस्जिद के लिए जो दी गई, मस्जिद के जमीन के लिए। मस्जिद की जमीन पे मस्जिद ही बनना चाहिए और मस्जिद की जमीन के लिए मस्जिद की जमीन ही खरीदनी चाहिए। और याद रखिए, जब तक मस्जिद बनाई ना गई हो उस जगह को बेच के किसी और जगह पर भी मस्जिद बनाई जा सकती, जब तक मस्जिद बनाई ना गई हो। तो इंशाअल्लाह यहां ये जमीन मिल जाएगी, अल्लाह से पूरी उम्मीद है। उसके बाद पूरी मस्जिद यहां से वहां तक खवातीन के लिए पूरी दे दी जाए और मर्दों के लिए प्लानिंग चल रही है। खवातीन की जो मस्जिद है वो भी मर्दों के लिए नीचे जो हाल है उसके साथ उसको कर दिया जाए, और ताकि दो फ्लोर यहां ये जितना बड़ा फ्लोर है ना मर्दों के लिए दो फ्लोर हो जाए ऐसे। और कैनोपी तो अल्हम्दुलिल्लाह बन गया है और खवातीन के लिए गया कि वो जो जमीन ली गई 30-40 फिर उसके बाद अभी 600 स्क्वायर फीट फिर उसके बाद यानी 30-40 के दो साइड्स हो जाएंगे। बेहतरीन तरीके से पार्किंग का मसला हल हो सकता है, खवातीन के लिए मसला हल हो सकता, तालीमी इदारे बनाए जा सकते, काफी फायदे। और अगर अल्लाह ना करें तो ये भी याद रखिए कि अगर ये बाजू की जमीन ना मिले तो आपके ये पैसे जमीन मस्जिद के जमीन पे ही लगाया जाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि मस्जिद की जमीन की खरीदारी के लिए 600 स्क्वायर फीट है, वहां खरीदारी के लिए अभी जो बात हुई है जरूरत के हिसाब से 8500 स्क्वायर फीट है। 8500 स्क्वायर फीट रजिस्ट्रेशन वगैरह मिलाकर 8500 स्क्वायर फीट है, 600 स्क्वायर फीट है, तो गोया के तकरीबन 50/2 या 50/1 के आसपास में उसकी कीमत बनती है। 50-51 लाख की जरूरत है, बहुत जल्द देना है। 5 लाख अदा करके, 5 लाख अदा करके अग्रीमेंट किया जा रहा है, तो बकिया 46 लाख बहुत जल्दी जमा करना है, बहुत जल्द अदा करना भी है। और रमजान का महीना भी आ रहा, अभी सब नियत कर ले, इरादा कर ले, आज भी दे ताकि आगाज ही अच्छा हो जाए, दमदार जोरदार हो जाए, ताकि इंशाल्लाह फायदा हो अल्लाह के घर के लिए। और याद रखिए स्क्वायर फीट मैंने बता दिया 8500 है, और एक मुसल्ला तकरीबन 51 के आसपास में है, 51,000 के आसपास में है। और इसी तरह से अगर आप हाफ मुसल्ला लेना चाहते हैं तो 25,000 समथिंग चेंज है। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से ताउन फरमाएं। मस्जिद की जमीन की खरीदारी है, कयामत तक जमीन होगी, कितने नेक नेकियां होंगी आपके लिए बेहतरीन सदका तो खैरात है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबरक ताला हमें और आपके दिए हुए कमाल को कबूल फरमाए, नेक तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबरक ताला हमें और आपको सबको सेहत व आफियत के साथ रखे, तंदुरुस्ती के साथ रखे। अल्लाह सारे मुसलमानों को कि माल जान माल इज्जत आबरो दीन व ईमान अहलो अयाल की हिफाजत फरमाना, और जो मुसलमान बेघर हैं खासतौर से फलस्तीन के मुसलमानों के अल्लाह तो हिफाजत फरमाना, अल्लाह तो जालिमों से काफी हो जाना, गज़ा के मुसलमानों के अल्लाह ताला हर एतबार से मदद करना, ताउन करना, उनकी परेशानियों को दूर फरमाना। अल्लाह ताला हम कमजोर हैं सिर्फ दुआ कर सकते हैं, सारे मुसलमानों के मरीजों को अल्लाह शिफाए कुल्ली अता फरमाना, और इसी तरह से जो लोग ज़ेरे इलाज उनके इलाज को कामयाब बना देना, ला औलाद को औलाद की सहारा दे देना, बे औलाद को औलाद का सहारा देना, साहिब औलाद के औलाद को नेक और साले बना देना, जो बेरोजगार है रोजगारी नसीब फरमा देना, जो मकरूज है उनकी कर्ज की अदायगी के लिए रास्ता निकाल देना। अल्लाह ताला हर एक को इत्मीनान सुकून की जिंदगी अता फरमाना, खैर बरकत अता फरमाना, जो मांगने से रह गए अपनी शान से नवाज देना। खवातीन से भी खसूसी गुजारिश है कि आपके लिए पूरी कोशिश हो रही है, आप इस मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह खवातीन का बड़ा रोल रहा, जेवरात से वो जेवरात जो आपको पसंदीदा है, और अल्लाह ने फरमाया कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी को उस वक्त तक पा नहीं सकते हो जब तक अपने पसंदीदा चीज को अल्लाह के रास्ते में सदका तो खैरात ना करो। याद रखिए मेरे भाइयों, मस्जिद को आबाद करने वालों में सदका तो खैरात करने वाले, आने वाले, नमाज पढ़ने वाले, यहां पर यहां तक कि आप सिर्फ इरादा कर लें, आपके इरादे में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएगा। तो कल कयामत के मैदान में
अल्लाह के पड़ोसी बनेंगे। क़यामत के मैदान में अल्लाह कहेगा आईना जीरानी मेरे पड़ोसी कहाँ है। मस्जिदों को आबाद करने वाले, मस्जिदों को तामीर में हिस्सा लेने वाले, मस्जिदों के आकर इबादत करने वाले अल्लाह के मेहमान और पड़ोसी होंगे। दुआ रब्बुल आलमीन से अल्लाह करें हम सबको अल्लाह के पड़ोसी बनाए। अल्लाह हमें नेक तौफीक दे और अल्लाह के घर में बढ़ चढ़ के ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वा आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।